अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम सीखेंगे अगर विंडो एसी की मोटर ख़राब हो जाए तो उसको कैसे चेंज करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं विंडो एसी की जो मोटर है वो जाम हो चुकी है। सबसे पहले हम इसका जो फ्रंट वाला कवर है, वेपोरेटर वाला ऊपर वाला, उसको खोलेंगे और जितने भी स्क्रूज़ वगैरह उनको संभाल के रख लेंगे ताकि बाद में हमें ढूँढने में मुश्किल पेश ना आए। और अब इसका जो पीछे वाला कंडेंसर वाला कवर है उसको खोलेंगे। एंड तक वीडियो देखिए कि अगर विंडो एसी की मोटर ख़राब हो जाए तो उसको चेंज कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है इसका। अब फैन जो है उसको खोलेंगे, इसकी अलंकी को खोल के फैन को बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि इसकी अलंकी खोल के फ़ैन को आराम से बाहर निकाल लिया गया है। और अब इसका ब्लोअर है, इसकी अलंकी को खोल के हम बहुत ही आराम से और ध्यान से इसको खोलेंगे ताकि कोई भी प्लास्टिक की जो चीज़ है वो टूटे ना, क्योंकि ब्लोअर जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, वो टूट जाता है। इसको खोल कर बाहर निकालने के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मोटर खोल ली गई है। अब इसकी जो वायर्स हैं उसको हम निकालेंगे कैपेसिटर से। मोटर पुरानी मोटर की जो वायरें हैं वो हम इलादा कर लेंगे। इसका सामने वाला जो पैनल बोर्ड है उसको खोलकर हम कैपेसिटर से इसकी वायरिंग मोटर की मेन और स्टार्टिंग या उनको इलादा कर लेंगे। मोटर की जो वायरें हैं उनको निकाल लिया गया है। रेड, ये हाई मीडियम और लो वायर्स होती हैं, रेड ब्लू और ब्लैक। अब हम इसको एसी को जो है वो धो लेंगे। एसी को केमिकल मार चुके हैं जो कि केमिकल का रिएक्शन है, जितना भी कचरा वो सारा निकल जाएगा। एसी की जब मोटर चेंज करते हैं, मोटर निकाल के एसी को फिर धोते हैं और अच्छी तरह इसको धोते हैं, ब्लोअर को भी फैन को भी अच्छी तरह। अब इसको धो दिया गया, एसी को बिल्कुल साफ़ कर दिया गया। अब हम इसकी मोटर जो है वो फिट करेंगे। मोटर फिट करके इसके अब हम नट बोल्ट जो है वो टाइट कर देंगे। नट बोल्ट जो है वो टाइट हो चुके हैं। अब इसका ब्लोअर जो है वो टाइट करेंगे। ब्लोअर टाइट हो चुका है। अब हम जो इसका फैन है उसको आराम से टाइट करके लगा देंगे। फैन को लगाने के बाद हम इसकी जो कनेक्शंस हैं उनको, मोटर के जो वायर्स हैं कैपेसिटर में कनेक्शन इसके करेंगे। पंखा लग चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे एसी को। एसी जो है अब चल चुका है, एसी अब हमारा रेडी है। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।